नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। तेजस्वी यादव समेत 21 राजद नेताओं पर हका हुआ केस। राजगीर में हुआ नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज का उद्घाटन। बिहार में कोरोना लहर ने 258 लोगों को लिया चपेट में। पंचायत चुनाव के आचार संहिता में शामिल हुआ नया आदेश। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार तीनों संकायों में लड़कियों ने बाजी मार दी है। बोर्ड ने वेबसाइट biharboardonline.com पर रिजल्ट को जारी कर दिया है। इस बार आर्ट्स में 77.97%, कॉमर्स में 91.48% और विज्ञान में 76.28% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। आर्ट्स में मधु भारती और कैलाश कुमार ने 463 अंकों के साथ संयुक्त रूप से टॉप किया है। वहीं कॉमर्स में सुगंधा ने 471 अंकों के साथ और साइंस में सोनाली ने राज्यभर में टॉप किया है। इस बार कुल 10,45,950 स्टूडेंट्स ने परीक्षा को पास किया है। आपको बता दें कि इसी के साथ बिहार बोर्ड ने सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। अब बैंक के काम निपटाने के लिए करना होगा अगले शनिवार का इंतजार। पैसों की जमा निकासी हो या फिर अन्य बैंकिंग काम हो, अगर आप आज ये काम नहीं निपटा पाए हैं तो अब आपको इसके लिए अगले हफ्ते के शनिवार का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल से लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। वहीं 27 मार्च को चौथा शनिवार, 28 को रविवार, इसके बाद 29 और 30 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी। वहीं 31 मार्च को क्लोजिंग डे होने के कारण आम लोगों को काम उस दिन नहीं हो पाएगा और इसका असर 1 अप्रैल को भी देखने को मिल सकता है। वहीं 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टी रहेगी, जिसके बाद अगले सप्ताह 3 अप्रैल शनिवार को 1 दिन के लिए बैंक आम लोगों के लिए खुलेंगे। इसके अलावा अप्रैल महीने में बैंक में छुट्टियों की भरमार होने वाली है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने 258 लोगों को लिया चपेट में। बिहार में कोरोना लहर ने बीते दिन 25 मार्च को 258 नए संक्रमितों को अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना वेव की इस तेज रफ्तार से पिछले 3 दिनों में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में 22 मार्च को 90 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई थी। उसके अगले दिन 23 मार्च को 111 लोग, 24 मार्च को 170 लोग और फिर कल 25 मार्च को 258 नए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस रफ्तार को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है और इसे लेकर सभी हाट बाजारों, प्रमुख स्टेशनों, बस स्टैंड पर रैंडम जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने भारत सरकार को पत्र लिखकर कोरोना नियंत्रण के लिए ट्रेनों को खुलने वाले स्थान पर ही जांच करने का अनुरोध किया है। वहीं बढ़ते मामले को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि जहां तक संभव हो सके लोग घरों में ही रहे, सबको सचेत और जागरूक रहना है, त्योहारों को देखते हुए पूरी सतर्कता बरतते रहे। विधानसभा हंगामे की घटना को लेकर महागठबंधन का आज बिहार बंद। बीते दिनों बिहार विधानसभा में विधायकों की पिटाई समेत किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन द्वारा बुलाया गया बिहार बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। राज्य में कई जगह पर बंद समर्थकों ने सड़क पर आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया, जिससे सड़कों पर वाहनों की कतार लग गई। वहीं राजद के कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि राजधानी पटना में आज सुबह से ट्रैफिक पर उतना असर देखने को नहीं मिला, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर आरजेडी और जाप के नेता जुटे और ट्रैफिक जाम कर प्रदर्शन में शामिल हुए। बिहार पंचायत चुनाव के आदर्श आचार संहिता में शामिल हुआ एक नया आदेश। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता में एक नए नियम को शामिल किया है। इसके तहत पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों में प्रत्याशियों के नाम और सिंबल को लेकर ईवीएम पर चिपकाए गए शीट को नुकसान पहुंचाने या फिर उसे ले जाने पर 1 साल की जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही अगर कोई ऐसे कार्य को करने में जानबूझकर मदद करता है या फिर करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो उसे भी 1 वर्ष के लिए जेल की सजा या फिर 500 रुपये तक के जुर्माने या फिर दोनों की सजा हो सकती है। इसके साथ ही आयोग के नए आदेश के अनुसार अगर मतदान पदाधिकारी को किसी व्यक्ति पर अपराध करने का शक हो तो उस व्यक्ति को मतदान केंद्र छोड़ने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। उस व्यक्ति की तलाशी लेने का भी पूरा अधिकार अधिकारियों को होगा। राजगीर में नेचर सफारी और नए रोपवे का हुआ उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र राजगीर में आज नवनिर्मित नेचर सफारी और रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों हो गया। इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बहुप्रतीक्षित रोपवे, नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज के उद्घाटन के बाद देश विदेश से सैलानियों के आकर्षण का केंद्र राजगीर बन जाएगा। इससे पहले पर्यटन मंत्री ने इलाके का बारीकी से जायजा लिया। वहीं पर्यटन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए लंबे समय से चले आ रहे टमटम की सवारी की जगह ई रिक्शा के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में राजगीर को इको फ्रेंडली टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी योजना के तहत राजगीर में 506 टमटम चालकों को निशुल्क ई रिक्शा भी उपलब्ध कराया गया है।
हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों व उनके परिवारों को मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा। हरियाणा के तर्ज पर ही अब बिहार में भी पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों और उनके परिवार के सदस्यों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कोर्ट के आदेश को राज्य में लागू कर दिया है। राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बगैर जज और उनके परिजन निजी अस्पताल में भी इलाज करा सकेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों और उनकी पत्नी व अन्य आश्रितों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिसे अब बिहार सरकार ने भी लागू कर दिया है। यह योजना सीमित बीमारियों के लिए होगी। राज्य सरकार द्वारा जिन बीमारियों में कैशलेस सुविधा देने का निर्णय लिया गया है, उनमें कैंसर, हृदय रोग, दुर्घटना, कोमा, ब्रेन हेमरेज और विद्युत आघात शामिल है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना नगर निगम और IGMS से मांगा स्पष्टीकरण। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सख्त कदम उठा रही है और इसे लेकर बोर्ड ने कचरा जलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। परिषद ने कचरा जलने से फैले प्रदूषण पर पटना नगर निगम व IGIMS से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। इस संदर्भ में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर दोनों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। बोर्ड के आदेश के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जलाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से कचरा जलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। नियमों के मुताबिक कचरे को जलाना दंडनीय अपराध है। सरकार ने जैविक और अजैविक कचरे के निस्तारण के लिए अलग अलग मानक तय कर रखे हैं। इसी तरह मेडिकल कचरे के निस्तारण के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की गई है। इसका पालन सभी को करना है। तेजस्वी यादव समेत राजद के 21 नेताओं पर केस दर्ज। विगत दिनों 23 मार्च को राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहा पर बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन, हंगामा व पथराव करने के दौरान तेजस्वी यादव समेत राजद के कई नेता शामिल थे, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने इस मामले में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत RJD के 21 नेताओं पर गैर जमानती केस दर्ज किया है, जिसे सिर्फ कोर्ट से ही जमानत मिल सकता है। इतना ही नहीं, इन सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने, तोड़फोड़, मारपीट करने और हत्या की कोशिश करने जैसे गंभीर धाराओं में FIR को दर्ज किया है। आपको बताते चले कि 23 मार्च को पटना में हुए RJD के इस प्रदर्शन में कई पुलिसकर्मी घायल हुए और आम राहगीरों व सरकारी संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा गांधी मैदान थाने में भी तेजस्वी व तेज प्रताप यादव के खिलाफ अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। एक अप्रैल से हर जिले में होगी सिर्फ एक सरकारी ट्रेजरी। बिहार में नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल से राज्य के प्रखंडों और अनुमंडलों के सरकारी कोषागार समाप्त हो जाएंगे और इनका विलय जिला कोषागार में कर दिया जाएगा। अब किसी भी जिले में सिर्फ एक कोषागार ही रहेगा। हालांकि इस बदलाव से इन प्रखंडों व अनुमंडलों के उप कोषागारों में नियुक्त कर्मी की नौकरी नहीं जाएगी। इन्हें जिला कोषागार में या फिर योग्यता क्षमता के आधार पर किसी अन्य विभाग में नियुक्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में 534 प्रखंड और 101 अनुमंडल है, जहां स्थित सभी ट्रेजरी को जिला में मर्ज कर लिया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीणा ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, कोषागार और उप कोषागार के पदाधिकारियों को पत्र लिखकर नई व्यवस्था की जानकारी दी है। इसके अनुसार अब पेंशन, चालान, एंट्री, लंबित मासिक लेखा और कोषागार से जुड़े दूसरे काम जिला कोषागार में ही किए जाएंगे। संविदा पर बहाल कर्मियों के वेतन में होगी वृद्धि। होली के अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। विभाग ने संविदा पर बहाल कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने वेतन वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा तकरीबन 950 संविदा कर्मियों को मिलेगा। आपको बता दें कि संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि का मसला 2 साल से लंबित था, जिस पर आज विभाग के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा मंत्री रामसूरत राय ने प्रत्येक वर्ष बेहतरीन काम करने वाले राजस्व कर्मियों सहित पदाधिकारियों के बीच अपने वेतन से 1,21,000 बतौर इनाम देने का ऐलान भी किया है। कोसी और कुर्सेला क्षेत्र में डॉल्फिन व पक्षियों की बढ़ रही है संख्या। बिहार के कोसी, नवगछिया और कुर्सेला क्षेत्र में डॉल्फिन व पक्षियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी बेहतर माना जा रहा है। हाल ही में 10 फरवरी से 16 मार्च तक चले 1 महीने के सर्वेक्षण में 194 गंगे प्रजाति के छोटे बड़े डॉल्फिन कोसी नदी में सहरसा व सुपौल जिले और नवगछिया कुर्सेला क्षेत्र में पाए गए, जो 5 साल पहले मार्च 2016 में किए गए सर्वे में मिली डॉल्फिन की संख्या से 139 अधिक है। वहीं इस बार 100 से अधिक प्रजाति के पक्षी भी देखे गए, जिसमें लुप्त मान ली गई कई पक्षी भी शामिल हैं। पक्षियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 5 साल पूर्व 99 प्रजाति की पक्षी ही देखी गई थी। आपको बता दें कि सर्वे में इस बार नेपाल बॉर्डर से सुपौल, सहरसा होते हुए कुर्सेला तक कोसी नदी में 260 किलोमीटर की दूरी में नाव से सर्वेक्षण किया गया था।
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े भाई के निधन पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े भाई महावीर राय के निधन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वे मेरे प्यारे चाचा थे, उनका प्यार हमें और हमारे पूरे परिवार को हमेशा मिलता रहा। उनके निधन से हमारा पूरा परिवार शोकाकुल और मर्माहत है। ईश्वर उनकी आत्मा को चीर शांति दे। महावीर राय के निधन का समाचार पाते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जाकर दिवंगत चाचा के अंतिम दर्शन किए और उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, विधायक तेज प्रताप यादव, राज्यसभा सांसद मीसा भारती सहित राजद के कई नेताओं ने महावीर राय के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। होली में डीजे बजाने और उपद्रव करने वालों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होली को लेकर विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं शराब बरामदगी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई दिशा निर्देश दिए। इसके तहत उन्होंने होली, शबे बरात और इन सभी को लेकर सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। इसके तहत कई जिलों में डीजे पर अश्लील गाना बजाकर हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। सीएम ने कहा कि विधि व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिलों में होली को लेकर सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया जाएगा। वहीं लोगों को होली के हुड़दंग से बचने को कहा गया है। बिहार में कोरोना के मिले 250 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 258 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 58 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 54 नए मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अररिया में 50 मामले और बेगूसराय में 23 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अगर हम बिहार में रिकवरी दर की बात करें तो यह 99.06% दर्ज किया गया है। वहीं बिहार में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या की बात करें तो यह 2,61,706 रहा है, जिसके बाद अब बिहार में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 924 हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार महागठबंधन द्वारा किया गया आज के बिहार बंद का असर आपके आसपास दिखा या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।